छुहारा चिकन और चिकन नूडल्स। नमस्ते, अभी हम लोग मनाली जाते टाइम लंच के लिए रुके सुंदर नगर हरावाग के एक रेस्टोरेंट पे। रोड साइड हाईवे में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वैसे ही एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है, और रेस्टोरेंट का ओनर मिस्टर रोहित सिंह हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो रोहित जी, आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बताइए। सर, ये रेस्टोरेंट जो है हमारा माई स्पेस रेस्टोरेंट के नाम से है, शिमला मनाली हाईवे पे पड़ता है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे। अच्छा। ये सुंदरनगर से 10 किलोमीटर पहले रहेगा, हराबाग करके स्टेशन। रेस्टोरेंट का स्पेशलिटी क्या है सर? इधर तो हमारा बेसिकली आपको पता है हाईवे पे सभी तरह का पॉइंट होता है, इंडियन चाइनीज तंदूर ये चलता है, बाकी हमारे पास वेज और नॉन वेज सभी कुछ अवेलेबल रहता है। और हमारा टाइमिंग सुबह लगभग 6 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक हम ओपन होते हैं, ये डिपेंड करता है काम पे। और सर, हमारा जो ये रेस्टोरेंट है ये चेन है हमारा एक लद्दाख में रेस्टोरेंट है, ये चेन। हाँ, माई स्पेस का ये चेन है, ये रेस्टोरेंट हमारा लद्दाख में और एक अरम्बोल बीच पे है गोवा में। अच्छा, मतलब गोवा में भी आप लोगों का रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट है, बीच है। तो दोनों का नाम क्या? माई स्पेस है गोवा में सर, माई स्पेस बीच बार एंड रेस्टोरेंट के नाम से, और ले में ले व्यू के नाम से ले व्यू। तो होपफुली आपके इस चैनल से भी हमारे को थोड़ा हेल्प मिलेगा और हम अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। नूडल्स सही में काफ़ी अच्छा है। हाईवे में एक रेस्टोरेंट में इतना अच्छा नूडल्स, एक्चुअली मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सीरियसली नूडल्स काफ़ी अच्छा है, चिकन हक्का नूडल्स जैसे। और सबसे बड़ा चीज़ यह है कि इसका क्वांटिटी जो है एक प्लेट में आसानी से 2 जन आप लोग खा सकते हो। और साथ में यहाँ पे मेरा एक दोस्त बना, आपको दिखाता हूँ मेरा दोस्त। यह रहा मेरा दोस्त माइकल। हाय माइकल, माइकल यू नो, ओके ओके, कम 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 कम। ओके, माइकल को अभी मूड नहीं है, ब्लॉगिंग पे उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो चलिए हम खाने का फूड ब्लॉगिंग पे ध्यान देते हैं। अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ रारा चिकन। दिस इज माय रारा चिकन। स्पाइसी डिश है और हल्का इसका एक टैंगी फ्लेवर है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये रहा फूड स्टॉल्स, ऐसे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भरे भरे हुए हैं सोलांग वैली में। ऐसे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स के सामने ऐसे टेबल्स चेयर्स बिछाए हुए हैं ताकि आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सको या तो चाय वगैरह का मजा ले सको। गर्मा गर्म मैगी, इससे अच्छा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। गर्मा गर्म, आई के नॉट वेट। हाय राम, जस्ट देखो। बढ़िया भाई, बढ़िया, थैंक यू। लो 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 लो, अरे बुम्मा भाई, आई कांट वेट टू टेस्ट। कम ऑन, मस्ता मस्त, थैंक यू, मस्त 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 मस्त। खिला दो। No jokes, huh? Must. Must. थोड़ा spicy भी है। Must. और spicy चाहिए। Actually. For this season, you need spicy. नहीं तो अब यहाँ पे जम जाओगे। Yeah, must, must. गर्मा गर्म मोमोज भाई, चटनी के साथ और उसके साथ है चाय। ओए होए 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 होए, धुआं देख रहे हो? दीज आर पनीर मोमोज, दबाने वाले हैं अभी।
बूमा भाई दबाएगा अभी। यहाँ इतना स्नो है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। और इनको ये छोटे छोटे अंडे एंड मैगी भी मिल जाएंगे। स्नो देखो बोलो। अभी हम लोगों ने इधर ऑमलेट ऑर्डर किया है। ऑमलेट का प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ है। आप सोचोगे कि 50 रुपीज़ फॉर ऑमलेट, पर हाँ ये बर्फ में आपको क्या मिलेगा? कौन अंडा देने वाले है? अंडा देने वाले भी कोई नहीं है और अंडा पकाने वाले भी कोई नहीं रहेगा। सो और क्या होता है कि ये बर्फ में आप जैसे ही चलते रहते हो और थोड़ा टाइम गुजारते हो ना, तो क्या हो जाता है कि आपका हाथ पैर दर्द करने लगता है। तो आपके शरीर को गर्म रखने के लिए या तो आपका मैगी या तो आपका ऑमलेट कुछ ना कुछ खाना खाते रहना चाहिए ताकि आपका शरीर गर्म रहे। तो हम लोगों ने अभी बटर ऑमलेट ऑर्डर किया, 60 रुपीज़ पर ऑमलेट। नॉर्मल ऑमलेट 50 रुपीज़ और बटर ऑमलेट लोगे तो 60 रुपीज़। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का हिमाचल का छोटा सा फूड जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।